फेवरेटिज्म के बगैर जो है वो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, स्पेशली पाकिस्तान में। जब तक आपकी सेटिंग नहीं है सेलेक्टर के साथ या किसी और के साथ, उससे पहले उसके बगैर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, भले आप 1000 रन कर लो, 2000 रन कर लो। टीम में नाम आया, टेस्ट टीम के साथ रहा, नहीं खिलाया। तो पिछले 1-2 साल में मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से डेब्यू हो गए लड़कों के, टेस्ट क्रिकेट खिला दी इतनी आसानी से, फिर वनडे डेब्यू हुआ वो भी जैसे खिलाया, सबको ही पता है। अफसोस तो था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। अमेरिकन्स की बात है तो अमेरिकन्स को अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की नॉलेज दे रहे हैं। USA में मूव हो गया हूँ परमानेंटली, और USA में क्रिकेट जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है स्टार्टिंग, और हमारी जो मेजर लीग क्रिकेट है उसने मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छा इनिशियल स्टेप लिया है कि वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स को पिक किया है, और उसी तरीके से क्रिकेट हो रही है। और वहाँ पे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें ये है कि सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं पूरे वर्ल्ड से, तो एक अच्छा एक क्रिकेट सिनेरियो है वहाँ पर, और एक अच्छे तरीके से क्रिकेट डेवलप हो रही है। US ने जो हमारी मेजर लीग है उसने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को अप्रोच किया था, जिसमें से मैं, हम्माद आज़म, समी असलम और अहसान आदिल एज अ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं वहाँ पे, और हम उनके लिए खेल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और उसके अलावा जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हम लोग यहाँ से जो लोकल लड़के होते हैं उनको हम बुलाते हैं और वो खेलते हैं आके। तो ये है कि अच्छे तरीके से वहाँ पे क्रिकेट चल रही है, और एक बहुत अच्छा मतलब एक स्टैंडर्ड क्रिकेट का मज़ा आ रहा है वहाँ पे। 2017 की जो तुम बात कर रहे हो, उस साल मैंने 957 रन किए थे, फर्स्ट क्लास में टॉप किया था। और जिस तरीके की कंडीशंस थी, हर कोई यही कह रहा था कि इतनी मुश्किल कंडीशंस हैं, ड्यूब का बॉल था, ग्रीन पिचेस थी, ये अल्लाह का शुक्र है मैंने उस साल परफॉर्म किया था। और परफॉर्म में उससे पहले भी करता हुआ आ रहा था, फिर उसके बाद टीम में नाम आया, टेस्ट टीम के साथ रहा, नहीं खिलाया, नहीं खेल सका। फिर वनडे डेब्यू हुआ वो भी जैसे खिलाया, सबको ही पता है। फिर यही कि इन दी एंड मैंने यही देखा, मैंने बोला फ़ायदा कुछ है नहीं, इससे बेहतर है कि मुझे यहाँ से ऑफ़र थी, डिसीजन था, मैंने एक डिसीजन लिया, मैं यहाँ से मूव हुआ। आसान डिसीजन तो नहीं था, लाजमी सी बात है, मेरी सारी फैमिली, सारी सब कुछ मैं ज़िंदगी मैंने इधर गुजारी, उसके बाद सडनली मुझे यहाँ से मूव होना पड़ा फैमिली के साथ। तो डिसीजन बहुत मुश्किल था, मगर ये कि बहुत सारी चीज़ें, वो कहते हैं कि जब बंदा माइंड सेट बना रहा होता तो उसके साथ साथ सारी चीज़ें सामने आ जाती। तो मेरे साथ ये जिस तरीके से टीम से बाहर हो गया विदाउट एनी रीज़न वो हुआ, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, तो मुझे थोड़ा सा जो है ना डिक्लाइन की तरफ दिख रहा था। इस चक्कर में फिर मेरा और माइंडसेट जो है ना, नहीं भाई अब जो है वहाँ से जो चीज़ है वो फिर कैरी ऑन करना और यहाँ से निकलना है। इधर उस टाइम पे मैं मतलब अफसोस तो था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, मगर ये था कि मैंने घर में अपने अब्बू से डिस्कस किया कि इस तरीके से मुझे ऑफ़र आई है, तो क्या अब्बू नाला क्रिकेट का डिसीजन तुम्हारा है, तुमने सारी ज़िंदगी खुद देखा, अच्छा बुरा तुम्हें पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने बोला बस ठीक है, फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर डिसीजन लिया। और आज़म भाई से मैंने डिस्कस किया था, आज़म भाई को मैंने बताया था कि क्योंकि आज़म भाई के साथ सारी ज़िंदगी आज़म भाई ने मुझे क्रिकेट खिलाई, और आज भी यहाँ आया हूँ तो आज़म भाई के पास ही हूँ। तो आज़म भाई को सिर्फ बताया, आज़म भाई ने भी मुझे बोला कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ। फिर इस बात मैंने उसके बाद डिसीजन ले लिया। अभी जो पिछले 1-2 साल में मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से डेब्यू हो गए लड़कों के, टेस्ट क्रिकेट खिला दी इतनी आसानी से, और ये सब कुछ है। तो मुझे तो बड़ा वही हुआ कि यार जिस टाइम पे हम लोग टीम में थे उस टाइम इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे कि नहीं हो सकता, और ये और वो है, बड़े रीजंस दिए जाते थे। अब जब देखता हूँ तो अब यही है कि अब फ़िलहाल अब तो ये है कि अब डिसीजन अब एक ले लिया तो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि भाई अब वहीं के लिए खेलना है, क्रिकेट सिंपल है बस। फेवरेटिज्म के बगैर जो है वो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, स्पेशली पाकिस्तान में। जब तक आपकी बात है कि जब तक आपकी सेटिंग नहीं है सेलेक्टर के साथ या किसी और के साथ, उससे पहले उसके बगैर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, भले आप 1000 रन कर लो, 2000 रन कर लो। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी टीम में। अभी बेचारा कामरान गुलाम की अगर मैं बात करूँ, 1200 रन किए उसने, कहाँ है वो आज, किसी क्रिकेट में ही नहीं दिखता। तो मतलब ये है कि अगर वो बंदा डोमेस्टिक में रन कर रहा है, इतने रन कर रहा है, तो उसका कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उसको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठा के टेस्ट क्रिकेट तो खिलाओ। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के फिर उसके बाद इसीलिए फ़ैसला किया यहाँ से जाने। मुझे जब मैं टीम में आया था, जब उस टाइम इंजी भाई सिलेक्टर थे, तो इंजी भाई से बातचीत होती रहती थी। जब टीम में था तो उस टाइम मिलते थे, कैसे हो, ठीक हो, ये वो, बस इतना होता था। और उसके अलावा जब आखिरी टेस्ट सीरीज़ न्यूजीलैंड वाली जो होम सीरीज़ थी 2018 वाली, तो उस सीरीज़ में मुझे मिक्की ने बोला था, मुझे रिलीज़ कर दिया था, मुझे बोला था कि तुम्हारा साउथ अफ्रीका अगला टूर था, उसमें बोला था कि आपका डेब्यू हो जाएगा, उस सीरीज़ में हम आपका डेब्यू कराएँगे, तो और मुझे एशिया कप, जूनियर एशिया कप के लिए रिलीज़ किया था, तो मैं वहाँ चला गया था। तो जब से साउथ अफ्रीका की टीम अनाउंस हुई तो मैं नाम ही नहीं था मेरा, और विदाउट एनी रीज़न मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों बाहर हुई हूँ। असल चीज़ तो यही थी कि यार इतना कुछ किया और दिल से खेला है। पाकिस्तान डोमेस्टिक हमेशा खेले जाते हैं, हमें सबसे ज़्यादा कैंप्स में बुलाया जा रहा है, हर कुछ हो रहा है, मगर इन दी एंड ये देखते थे कि जो लड़के डोमेस्टिक भी नहीं खेलते और कुछ नहीं, और वो सीधा सीधा उठ कर आए और पाकिस्तान भी खेल गए। और हम ऐसे देख, मेरे सामने जब मैं टीम में था मेरे सामने कितने डेब्यूज़ हो गए, पता भी नहीं चला कैसे आए लड़के, कहाँ से आए, खेले, खेल के चले भी गए, कुछ हैं टीम में। तो यही चीज़ें थी बहुत सारी जिनकी वजह से अफसोस होता था और देख के दिल भी टूटा। फिर इसी वजह से जो है फिर बहुत सारी वही बात है कि जब बहुत सारी चीज़ें जब आप एक माइंडसेट बना रहे होते तो फिर ये वाले थॉट्स आपके माइंड में आते हैं कि यार ये देखो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो बेहतर है कि आप पकड़ो और निकलो यहाँ से। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है वहाँ पे, ये कि वहाँ पे अभी जैसे कुछ ग्राउंड्स, जो मेजर लीग की मैं बात करूँगा स्पेशली, मेजर लीग का बहुत बड़ा इन्वॉल्व है और इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ी कि मेजर लीग वहाँ पे क्रिकेट बहुत प्रोमोट कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने हम सब प्लेयर्स को हायर किया है। तो और ये है कि अभी वहाँ पे मेजर लीग होने जा रही है खुद 13 जुलाई टू 30 जुलाई जो मेजर लीग हो रही है स्पेशल, तो उसके लिए जो है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर और इसी तरीके से क्रिकेट चल रही है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो एक स्टैंडर्ड है प्लेयर्स का, मतलब उसी तरीके से उसी स्टैंडर्ड में प्लेयर को रखा हुआ है जो जिस तरीके से प्लेयर को एक नीड है, तो वही सारी चीज़ें वहाँ पे, मतलब जैसे यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल हो गया बेचारे डोमेस्टिक प्लेयर का जब से डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे ये कि एक हैंडसम सैलरी है लड़कों की, उसके अलावा टूर्नामेंट्स की अलग फ़ीस है, उसके अलावा अगर आप लोकल कहीं मैच खेलते हो तो वो अलग है। बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड है वहाँ पे क्रिकेट का। फिर आपको पता है यूएस में जो फैसिलिटीज़ बन रही हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि अभी हाइब्रिड्स, हमारे मेजर लीग ने हाइब्रिड्स पिचेस ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के सारे ग्राउंड्स में वो किए हैं, तो ऑस्ट्रो का एक सिस्टम वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एंड हो रहा है और हाइब्रिड और प्लस टर्फ हो रहा है। परफॉर्मेंस मैंने अभी पहला सीज़न वहाँ पे खेला था जो वहाँ के डोमेस्टिक T20 माइनर लीग करके वो खेला था, तो शिकागो टाइगर्स के लिए खेला था, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था, 400-500 रन किए थे, कुछ मैचेस मिस हुए थे, कोविड हो गया था, और बाकी जो टूर्नामेंट्स हैं वो अल्लाह का शुक्र है 3-4 टूर्नामेंट्स जितवाएँ अपनी टीम्स को, स्टालियंस को, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर एक वहाँ पे एक अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ और सेटल भी हो गया हूँ। तो यही है कि अब इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि यूएस को रिप्रेजेंट करूँ, 24 में एलिजिबल हो जाऊँगा उसके लिए वर्ल्ड कप से पहले, बाकी देखो अल्लाह मालिक। देखो जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं वो तो सारी क्रिकेट वहाँ पे रन कर रहे हैं और खेल रहे हैं, बाकी जहाँ तक अमेरिकन की बात है तो अमेरिकन को अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की नॉलेज दे रहे हैं कि जाके अकेडमीज़ में, स्कूलिंग में जाके क्रिकेट बताई जा रही है कि ये भी एक गेम है। और इस तरह अब तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँगा कि मतलब पिछले सालों का मुझे नहीं पता, पिछले 1.5 साल से मैं वहाँ हूँ तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पर प्रोमोट हुई, और मैं मेरे हिसाब से जो मैंने फील किया, मैं यहाँ पर भी इतना अरसा रहा हूँ, वहाँ ज़्यादा क्रिकेट होती है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान में तो आप सीज़न टू सीज़न आप खेलते हो या क्लब का मैच आपका ऐसा हो गया, वहाँ एवरी वीकेंड आपका मैच है क्लब का, उसके अलावा टूर्नामेंट्स हर एक महीने बाद 2 महीने बड़े इवेंट्स हैं। अभी जैसे हम लास्ट US ओपन खेले हैं तो उसमें जैसे हमारे पास पूरे बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे, गप्टे लाया हुआ था, तो ये कि वहाँ पर अच्छी क्रिकेट है स्टैंडर्ड वाइज, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के प्लेयर आगे खेलते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ की टीमें वहाँ पर आएँ और वहाँ की टीमें यहाँ पर स्पेशल आएंगी, तो वहाँ पर वहाँ के कुछ लड़के जो वहाँ के लोकल हैं जिन्होंने कभी डोमेस्टिक या टफ क्रिकेट का एक्सप्लोजर नहीं मिला उनको, उनके लिए अच्छा होगा कि अच्छी क्रिकेट मिलेगी यहाँ पे खेलने के लिए, तो एक अच्छा और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी वहाँ के लड़कों में। बिल्कुल 100%, जैसे बोला कि बास्केटबॉल हो गया, दूसरे स्पोर्ट्स उसके बहुत ही बिलियंस उसके जो स्टार्स हैं वो हैं, इसी तरीके से अब इनका यही जो मेजर हर इसका है कि मेजर लीग है, बेसबॉल की MFL है, वैसे अब ये क्रिकेट की भी मेजर लीग बन गई है, तो इनके पास भी अच्छा खासा पैसा है, ठीक ठाक है, और ये इसी तरीके से ये क्रिकेट को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं और उसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।